नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दाऊद इब्राहिम के नौ में से तीन पते गलत। संयुक्त राष्ट्र की समिति ने पाया है कि भारत ने पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो नौ पते बताए थे उनमें से तीन पते गलत हैं। इन पतों को सूची से हटा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति द्वारा सूची में से जो पते हटाए जा रहे हैं उनमें से एक पता संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाबाद की दूत मलीहा लोधी के आवास का है। हालांकि भारत की ओर से उपलब्ध करवाए गए छह अन्य पतों को संशोधित नहीं किया गया है। भारत ने एक डोजियर में नौ पतों का उल्लेख करते हुए कहा था कि दाऊद इन स्थानों पर अक्सर आता है। पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद में 73% कटौती। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य और वित्तीय सहायता में वर्ष 2011 के बाद से 73% की कमी आई है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई खटास का पता चलता है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस के लिए सरकारी समाचार और विश्लेषण सेवा कांग्रेस रिसर्च सर्विस द्वारा जारी रिपोर्ट में है बात सामने आई है। रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2016 और 17 के साथ वर्ष 2002 से 2015 के बीच सैन्य और वित्तीय सहायता के आंकड़े दिए गए हैं। अमेरिका में 46% अश्वेत भेदभाव के शिकार। दुनिया भर में मानवाधिकारों की बात करने वाले अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ भीषण भेदभाव हो रहा है और एक सर्वेक्षण के मुताबिक 46% अश्वेतों ने अपने साथ दैनिक जीवन में भी भेदभाव की घटनाओं की बात स्वीकार की है। अमेरिका में शोधकार आधारित कंपनी गैलप की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 46% अश्वेत विशेष जगहों अथवा विशेष परिस्थितियों की बजाय रोजमर्रा के जीवन में भी भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। सर्वेक्षण में पिछले एक दशक में कार्यस्थल पर खरीदारी करते हुए पुलिस से संबंधित कामकाज बार या रेस्तरां में तथा अस्पताल में भेदभाव की 5 स्थितियों के बारे में सवाल पूछे गए थे। मणिपुर में भूकंप के झटके। मणिपुर में मंगलवार को भूकंप के मध्यम तीव्रता के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:43 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई। इसका केंद्र म्यांमार के मावलाइक से 43 किलोमीटर उत्तर पूर्व और इम्फाल से 126.7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन से 106.3 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके मणिपुर के साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्य म्यांमार और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ में डूबे घाट, अंतिम संस्कार सड़कों पर। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का आलम यह है कि कई शहरों में शवों का अंतिम संस्कार घाट के बजाय सड़कों पर करना पड़ रहा है। वाराणसी, इलाहाबाद और मिर्जापुर गाजीपुर में गंगा इस कदर कहर बरपा रही है कि लोगों को दाह संस्कार सड़कों और गलियों में करना पड़ रहा है। इलाहाबाद में रसूल घाट बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से डूब गया है। अब वहाँ दाह संस्कार बंद हो गया है। परिजनों को अन्यत्र दाह संस्कार के लिए जाना पड़ रहा है। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।